ये देख लीजिए यहाँ पर, ये इसके बारे में, पेड़ के बारे में लिखा गया है, स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदान या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा ये है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में एक ये है। देवगढ़ इसे स्वर्ग में ले गए पांडव अज्ञात वास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण ये है वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तला लगभग 10 मीटर मोटाई का है। अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। ये देख लीजिए, बहुत से लोग जा रहे हैं विजिट करने के लिए। इस सामने जो है यह पेड़ जो देख रहे हैं, ये पारिजात का पेड़ है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जाली लगा दी गई है कि कोई भी पेड़ के पत्ते को तोड़ ना सके, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में कोई भी इंसान छू सकता है, कोई छुए ना, कोई तोड़े ना पत्तियों को। ये मैं ब्लॉग में बना रहा था तो अंकल जी बोले मेरी भी पिक ले लो, पेड़ आना चाहिए, आप देख लीजिए।
थैंक यू, वेलकम। ये अंकल जी थे, मुझसे कह रहे थे कि मेरी एक ले लो जिसमें पीछे का बैकग्राउंड शो होना चाहिए कि पेड़। आप देख सकते हैं कितना भारी पेड़ है, यही पारिजात का पेड़ है। ये आप जो देख रहे हैं, ये पहले जो है ऐसा माना जाता है ये एक कुआं था। कुएं के अंदर ये पहले छोटा था, अब कुएं इतना बढ़ते बढ़ते ये इतना चौड़ा हो गया कि अब कुआं भी नहीं पता चल पा रहा कि कुआं कहाँ गया। और इसमें जो है फूल नहीं दिख रहे हैं, फूल जो है बताते हैं ये अगस्त महीने में ही आते हैं, अगस्त महीने में फूल आते हैं यहाँ पर। देख लीजिए पेड़ की शाखाएं अजीबोगरीब है, कितनी 10-10 मीटर तक चौड़ाई है। ये देख लीजिए पेड़ की मोटाई कितनी है, ये देख लीजिए यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। ये देख लीजिए मेरे जस्ट पीछे पारिजात का पेड़ शो हो रहा है, देख लीजिए कितना भारी है और बहुत ही बड़ा है। बहुत ही भारी पेड़ है और बहुत ही पुराना पेड़ है, पुराना नहीं आप कह सकते हो, बहुत ही प्राचीन से प्राचीन, क्योंकि पौराणिक पेड़ है ये।
देख लीजिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा आ रहा है कैमरे में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर शांति है, हरे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, कितना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के। आप अकेले या फैमिली के साथ हैं यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये सबसे प्राचीन पेड़ है, प्राचीन से प्राचीनतम पेड़ है पारिजात, जो कि कहीं नहीं पाया जाता है। केवल ये हमारे बाराबंकी ज़िले के बरौलिया गांव में पाया जाता है, जो कि बाराबंकी ज़िले से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे है। यहाँ पे आने के लिए आप अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाह रहे हैं तो सब अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ये हमारा जो पड़ता है बाराबंकी जंक्शन, बाराबंकी जंक्शन से आप बाराबंकी बस स्टॉप से आप यहाँ के लिए आप पकड़ सकते हैं बस, जो आपकी को बदोसराय पे उतारेगी, या आप रामनगर होते हुए भी आ सकते हैं। और जो महादेवा की ओर जो बस जाती है आप उसी बस से आप इसके यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you.